बदमाशों ने अरुण के खरिया दांगी स्थित पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। गुरुवार शाम 7 बजे के लगभग बदमाश पेट्रोल पंप पर पैदल ही पहुंचे। उन्होंने पंप के मैनेजर के गले पर चाकू अड़ा दिया। इसके बाद नकदी 55,000 रुपए और एक मोबाइल लूटकर भाग निकले। आरोन थाना क्षेत्र में उस वारदात के बाद पुलिस ने सर्चिंग शुरू कर दी है। आरोन से 20 किलोमीटर दूर स्थित खिरिया दांगी में कमल सिंह दांगी का पेट्रोल पंप है। इस पर मैनेजर लल्लू बैठा हुआ था, तभी उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दो बदमाश वहां पहुंचे। उन्होंने मैनेजर पर चाकू उड़ा दिया। इसके बाद गल्ले में रखे हुए रुपए लूट लिए। आरोपी घटनास्थल पर पैदल ही आए। उन्होंने अपनी बाइक वहां से दूर खड़ी कर दी थी। खिरिया दांगी गांव विदिशा जिले की सीमा पर है। आशंका है कि बदमाश इसी तरफ से यहां आए होंगे। पुलिस को यह सूचना घटना के 1.5 घंटे बाद मिली। TI सुरेश पटेरिया ने बताया कि पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। पेट्रोल पंप पर CCTV कैमरे भी नहीं लगे थे। मैं कुर्सी पर बैठा था ऑफिस में, दो जाने आए तो धीरप से आ रहे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं सोच रहा था ऐसे ही आ रहे हूँ, तो उसके बाद मैं एक जने मुझसे चैटी गया, थोड़ा मैं नवाज करी तो मेरा मुँह मूंद लिया और हाथ पकड़ लिए। एक ने वो छुरी निकाली और मेरी जहाँ पे लगा दी। छुरी लेके आए थे? हाँ, छुरी निकाली। और कौन से पेट्रोल पंप की घटना है ये? जी, खिरिया दांग। अच्छा, किसका है ये पेट्रोल पंप? ये उनका है, कमल सिंह दांग। अच्छा, कितना क्या ले गए? ये 56,000 थे, मतलब गिने गिना रखे थे। मैं कुर्सी पे बैठा ऑफिस में हिसाब कर रहा था। अच्छा, आप क्या पोस्ट पे हो पेट्रोल पंप पे? कैसे, क्या पोस्ट पे हो आप, क्या करते हो पेट्रोल? कर्मचारी है, मतलब खैर केड़े गाँव काम करता। आपके अलावा पेट्रोल पंप पे और कोई भी था? नहीं नहीं, मैं अकेला ही था। अच्छा, और पेट्रोल पंप पे कोई गार्ड वगैरह नहीं है? नहीं है ना, वो चौकीदार है, वो खाना खाने के लिए गया था। और पेट्रोल पंप पे CCTV कैमरे फोटोज कुछ नहीं? वो नहीं है। आरोन से ग्राउंड रिपोर्टर मिथुन शर्मा की रिपोर्ट।